Assalamualaikum alaikum everyone welcome to future aspirants uh, today i am going to tell you about nitrogen cycle from class 10th in this video so let us start when we talk about nitrogen cycle first of all we should know a, a little things about nitrogen नाइट्रोजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ मैनी बायो मोलिक्यूल्स वॉट आर बायोमोलीक्यूल्स ये वो मोलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडीज़ के, के अंदर पाए जाते हैं और उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं उनकी ग्रोथ के लिए मेंटेनेंस के लिए सेल स्ट्रक्चर में इट मीन्स के लिविंग ऑर्गेनिज़म की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ये मॉलिक्यूल्स तो नाइट्रोजन ऐसे मॉलिक्यूल का इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है इम्पॉर्टेंट हिस्सा है सो दैट इज़ वाई नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है जैसे कि प्रोटीन्स हो गए न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि डीएनए और आरएनए, इन सब के अंदर नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है अगर हम बात करें हमारे एटमॉस्फेयर की तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है इट इज़ अ रेजरवायर मीन्स इट इज़ अ स्टोरेज हाउस फॉर फ्री गैशियस नाइट्रोजन एटम्स नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, गैसेस के फॉर्म में हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं मीन्स हम अपने एटमॉस्फेयर के जितनी भी गैसेस देखें उनमें से मैक्सिमम अमाउंट जो है आ, एयर में नाइट्रोजन गैस की है 78% परसेंट ऑफ द एयर दैट इज सराउंडिंग ऑल द लिविंग थिंग्स इट हैज नाइट्रोजन मतलब आउट ऑफ ऑल द एयर 78% परसेंट इज नाइट्रोजन एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें ऑल दो दिस देर इज ह्यूज़ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन दैट इज प्रेजेंट अराउंड अस इन द एटमोसफेयर बट वैन वी टॉक अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली इस नाइट्रोजन को अपनी एटमोसफेयर में से हासिल नहीं कर सकते दे आर नॉट कैपेबल ऑफ ऑब्टेनिंग दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली सो ऑल दो सम बैक्टीरिया आर देयर दे कैन ऑप्टेन दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोसफियर इनको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं सिर्फ यही इस कैपेबल है इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये एटमोसफेयर के अंदर से नाइट्रोजन को पिक कर सकें और उसको यूज़ कर सकें फॉर सर्वाइवल सो फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स उनके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले इस नाइट्रोजन को एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए जिसे हम नाइट्रेट्स के नाम से जानते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन साइकिल कि किस तरह से इन्वायरमेंट की हमारी एटमॉस्फेयर की गैशियस नाइट्रोजन कन्वर्ट होगी नाइट्रेट्स के अंदर और क्या पूरा प्रोसेस बनेगा सो देर इज़ अ साइकिल फर्स्ट स्टेप इज नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसमें नाइट्रोजन को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद ये डिफरेंट प्रोसेस हैं जिसमें नाइट्रिफिकेशन एसिमिलेशन एमोनिफिकेशन डी नाइट्रिफिकेशन एंड देन अगेन द साइकिल गोज़ बैक टू नाइट्रोजन फिक्सेशन सो वी मस्ट रिमेंबर कि ये जो पूरा साइकिल है इट इज़ अ कंटीन्यूस प्रोसेस इट हैज़ नो स्टार्ट पॉइंट एंड नो एंड पॉइंट इट विल ऑलवेज मूव इन दिस साइकिल अगर ये साइकिल स्टॉप हो जाए तो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर के किसी एक पार्ट में फिक्स uh, हो जाएगी वहाँ पे सेट हो जाएगी और अवेलेबल नहीं होगी नेक्स्ट जनरेशन के लिए या आगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को सो दिस साइकिल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट नाउ दिस होल नाइट्रोजन साइकिल इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेजेस सो लेट स्टार्ट विद द स्टेजिज द फर्स्ट स्टेज इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स कि नाइट्रोजन किस तरह से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होगी और नाइट्रेट्स वो फॉर्म है नाइट्रोजन की जिसको प्लांट्स जो है यूज कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट फॉर्म में उसको स्टोर कर सकते हैं जिसको आगे फर्दर एनिमल्स या दूसरे अ, प्लांट्स यूटिलाइज कर सकें सो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट इज द फर्स्ट स्टेप एंड इट कंसिस्ट ऑफ फर्दर स्टेप्स फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट किस तरह से होगी इसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसमें नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रेट इस प्रोसेस को हम ओवरऑल अगर एक नाम दें तो उसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी मुख्तलिफ तरीकों से होती है लाइक एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन biological nitrogen fixation and industrial nitrogen, fix, nitrogen fixation we will discuss about them turn by turn as you can see here in the diagram also there is a fixation by lightning this is atmospheric nitrogen fixation then there is fixation by haber process this is industrial nitrogen fixation then there is fixation by bacteria in root nodules of leguminous plants this is biological नाइट्रोजन फिक्सेशन तो नाइट्रोजन को जो कि हमारी एयर में है इसको अमोनिया और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए ये थ्री डिफरेंट मेथड्स हैं जो ऑटोमेटिकली यानी नेचुरल प्रोसेसेस भी हैं एक्सेप्ट दिस हेबर प्रोसेस ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है एंड इट इज़ कैरिड आउट बाय ह्यूमन बींग्स अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं एटमोसफेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की तो ये आउट ऑफ ऑल द नाइट्रोजन फिक्सेशन दैट इज़ हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड फाइव टू एट परसेंट जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है एटमॉस्फेयर में आप क्या चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं जो आ, कन्वर्ट कर सकती हैं नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स के अंदर दे आर थंडर स्टॉम्स एंड लाइटनिंग यानी कि जो ये बारिशें होती हैं जब उसमें बिजली का चमकना बादलों का गरजना उस टाइम पे उस आ, जहाँ पे ये सब हो रहा है थंडर है लाइटनिंग है तो उसके सराउंडिंग में जितनी भी नाइट्रोजन एयर होगी वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्रेट्स में किस तरह से कन्वर्ट होगी उसके भी स्टेप्स हैं सबसे पहले ये जो एटमॉस्फेरिक गैशियस नाइट्रोजन है इट विल बी ऑक्सीडाइज यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन के आइटम्स एडअप हो जाएंगे एंड इट विल फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देन दीज ऑक्साइड्स दे विल डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज वहाँ पे रेन है या वाटर वेपर्स जो कि एटमोसफियर के अंदर प्रेजेंट होंगे जहाँ पे यह थंडर स्टॉम लाइटनिंग हो रही है तो वो जो ऑक्साइड्स बने हैं नाइट्रोजन के वो वाटर के अंदर डिजोल्व होकर एक और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे जिसे हम नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड बन जाएंगे ये नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड दे विल कम्बाइन विथ सॉल्ट सॉल्ट जहाँ पे उनको मिले उनका रिक्वायर्ड सॉल्ट दे विल कंबाइन विद इट एंड दे विल फॉर्म द नाइट्रेट्स एज यू कैन सी हि देर इज लाइटनिंग जब गरज चमक है बारिश होने वाली है तो वहाँ पे ड्यू टू लाइटनिंग जो नाइट्रोजन है एज यू कैन सी दिस एरो बिहाइंड द क्लाउड्स इट विल बी कन्वर्टेड इन टू नाइट्रिक एसिड दिस नाइट्रिक एसिड एंड अदर दैन नाइट्रिक एसिड देर इज ऑल्सो नाइट्रस एसिड दे विल फॉल टू दॉयल ये सॉइल में जाएंगे वहां पे दे मिक्स विद दॉल्ट एंड कन्वर्टेड इन टू नाइट्रेट्स देन देर इज द सेकेंड मैथड फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकल नेम से ही आपको पता चलेगा कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है सो देर आर सम बैक्टीरिया दे आर एबल टू ट्रांसफॉर्म दिस गैशियस नाइट्रोजन इंटू नाइट्रेट कुछ बैक्टीरिया इस काबिल होते हैं कि गैशियस नाइट्रोजन अपने एटमोसफेयर से लें और उसको नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर दें उस बैक्टीरिया को हम Uh, इस पूरे प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं और उस बैक्टीरिया को हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं अब वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहाँ होती है दे आर प्रेजेंट एज सिम बायोन्स एंड सम आर आल्सो फ्री लिविंग सिम क्या है जब वो प्लांट्स के साथ uh, म्यूचुअल uh, रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं प्लांट्स के रूट्स uh, के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे वो uh, आसपास जो एटमॉस्फेयर में या फिर सॉयल के अंदर नाइट्रोजन के गैस uh, के मॉलिक्यूल्स हैं उनको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे इसके अलावा दूसरे बैक्टीरिया जो कि फ्री लिविंग है मीन्स दे डोंट नीड प्लांट्स टू सर्वाइव जो सेम बायस हैं दे विल गिव नाइट्रेट्स टू द प्लांट्स बाय कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स और बदले में प्लांट्स से न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं जबकि जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है दे डोंट नीड प्लांट्स टू सरवाइव दे विल कन्वर्ट द नाइट्रोजन फ्रॉम द सराउंडिंग इंटू नाइट्रेट्स एंड दे विल गेट देयर ऑन न्यूट्रिय बाय देयर ऑन मीन्स सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन दैट इज एन इनर्ट गैस दैट इज वाई वी कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली it is converted by the bacteria present in the soil and rocks into ammonium so this is a nitrate and this is how nitrogen fixation is done through biological process you can see here there are nodules that are present inside these uh, uh, roots of the plant inside these roots there are microbes or you can say bacteria they convert this nitrogen that is present in the air us nitrogen ko nitrate में convert kar denge वो nitrate फिर plant आसानी से अपने अंदर absorb करेंगे और बदले में उस bacteria को जिसने उसको nitrate बना के दिया है carbohydrates provide करते हैं ताकि वो भी सर्वाइव कर सके सो दिस इज़ अ म्यूचुअल रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स एंड बैक्टीरिया एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और इस तरह से ये सर्वाइव करते हैं यू कैन ऑल्सो सी हियर दिस इज़ अ रूट ऑफ प्लांट जिसके अंदर लेग्यूम्स दिखाए हैं uh, इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे सिम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्प करता है प्लांट्स की दैन देर इज दिस नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एस इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन जिस तरह के हमने प्रीवियस फिगर्स में डायग्राम्स में देखा था हेबर प्रोसेस में इसमें क्या है कि इंडस्ट्रीज यानी कि मैन मेड प्रोसेस से आर्टिफिशियल प्रोसेस से इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है नाइट्रोजन जो कि एटमोसफेयर में प्रेजेंट है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है क्या रिक्वायरमेंट्स हैं किस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि हाँ जो इंडस्ट्रीज़ में प्रेशर बहुत हाई रखा जाता है सेकेंडली टेम्परेचर बहुत हाई रखा जाता है और हाई प्रेशर और टेम्परेचर में हाइड्रोजन uh, को लिया जाता है और इसको कंबाइन किया जाता है विद द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड बाय देयर कॉम्बिनेशन इट प्रोड्यू देर प्रोड्यूस अमोनिया और वो अमोनिया को फिर फर्दर आगे अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है तो इस तरह से पूरा इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर को बहुत हाई रखा जाता है और हाई रखने के दौरान हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ अटैच करके पहले अमोनिया और फिर अमोनियम नाइट्रेट बनाया जाता है एज यू कैन सी हेयर इन द डायाग्राम नाइट्रोजन के टू एटम्स उनको अटैच किया जाता है विद थ्री एटम्स और मीन्स थ्री मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और इस पूरे प्रोसेस को हम हेबर वॉश प्रोसेस भी कहते हैं यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई रखा जाता है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मदद से अमोनिया प्रोड्यूस किया जाता है सो दीज आर द साइड बाई साइड प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म यानि कि बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है एटमोसफेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रेट्स में और सेकेंड साइड हाँ, देख सकते हैं आप इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसके अंदर ये एक पूरी फर्नेस रखी गई है एक पूरा सिस्टम सेटअप किया गया है जहां पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रख के एक तरफ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को इंसर्ट करके तो दूसरी तरफ से आप अमोनिया निकालें और अमोनिया को फिर फर्दर अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है देन देर इज अ सेकेंड स्टेप पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन हो चुकी है अब नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रेट्स बन चुके हैं इसके बाद है प्रोसेस एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन होता क्या है जब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो यूज़ करते हैं जाहिर सी बात है जब ये बैक्टीरिया ने नाइट्रेट्स बनाए उसने प्लांट्स को दे दिए प्लांट्स ने इससे अपने अंदर डिफरेंट अपना स्ट्रक्चर बनाया इसको स्टोर किया प्लांट्स को जब डिफरेंट एनिमल्स ने खाया इस तरह से नाइट्रोजन के से बने हुए जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि प्रोटीन्स हैं वो प्लांट्स से होते हुए डिफरेंट एनिमल्स में ट्रांसफ़र होते रहते हैं तो ऐट दी एंड जब ये प्लांट्स की डेथ होती है या जब ये एनिमल्स की डेथ होती है या उसके अलावा जब ये वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स के केस में वेस्ट मटेरियल हो सकते हैं इनके लीव्स जो कि सूख के गिर जाते हैं एनिमल्स के केस में इनके वेस्ट मटेरियल हो सकते हैं यूरिया यूरिक एसिड जो कि यूरिन की सूरत ने ये पास करते हैं तो इनके अंदर प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन अब वो नाइट्रोजन का भी फ्री होना उस मैटर के अंदर से उस मटेरियल के अंदर से फ्री होकर दोबारा एटमॉस्फेयर में जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर ये अमोनिफिकेशन का प्रोसेस ना होगा तो एक वक्त आएगा कि तमाम का तमाम जो अमोनिया जो नाइट्रोजन थी वो डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडीज के अंदर या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की वेस्ट मटेरियल के अंदर लॉक हो होकर रह जाएगा और हमें दोबारा अवेलेबल नहीं होगा बिकॉज इट इज़ जब हम कहते हैं हमारी इन्वायरमेंट में 78 परसेंट नाइट्रोजन है तो इट मस्ट बी मेंटेन एट दिस लेवल और लगातार प्लांट्स एनिमल्स इसको यूज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कम भी होती है इसकी अमाउंट कम भी होती है पर चूँकि एक साइकिल है एक तरफ जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है एटमोसफेयर में से नाइट्रोजन को लिया जा रहा है और उसके कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो दूसरी तरफ ये अमोनिफिकेशन का प्रोसेस होता है जिसके अंदर दोबारा से डेड ऑर्गेनिज़म्स या फिर वेस्ट मटेरियल में से उस नाइट्रोजन को दोबारा फ्री किया जाता है डिफरेंट स्टेप्स से होते हुए ताकि वो दोबारा एटमॉस्फेयर में जाए और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की अमाउंट दोबारा 78 परसेंट तक आ सके सो दिस प्रोसेस ऑफ एमोनिफिकेशन जिसमें ब्रेक डाउन होती है प्रोटीन की प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको ब्रेक करने के लिए स्पेशल बैक्टीरिया जिसे हम एमोनीफाइंग बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं ये काम करता है यू कैन सी हेयर प्लांट्स एनिमल्स आफ्टर देयर डिकम्पोजिशन मीन्स आफ्टर देयर डेथ देर इज अ बैक्टीरिया प्रेजेंट दैट इज प्रेजेंट इन द सॉयल सॉइल बैक्टीरिया वो एमोनिफिकेशन से उनके अंदर मौजूद अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट को या प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके दोबारा अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है हेयर ऑल्सो यू कैन सी अमोनिया पहले सॉयल में से ऑर्गेनिक मैटर मैन्योर रोटिंग जो प्लांट्स हैं रोटिंग एनिमल्स हैं उनको पहले अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सॉयल बैक्टीरिया एंड दैट अमोनिया इज कन्वर्टेड इन टू एमोनियम हेयर ऑल्सो यू कैन सी

देन देर इज दिस नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन में होता क्या है कि अमोनिया दैट वॉज़ रिलीज इट इज़ देन कन्वर्टेड इंटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स एमोनिया जो कि डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनके वेस्ट मटीरियल से रिलीज हुआ था उसको दोबारा से नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसके लिए जो स्पेशल बैक्टीरिया प्रेजेंट है इसको हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं सो एमोनिया एज यू कैन सी इन दिस इक्वेजन ऑल्सो एमोनियम इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इंटू नाइट्राइट एंड इट इज़ कन्वर्टेड बाई द स्पेशल बैक्टीरिया जिसे हम नाइट्रोसोमनास कहते हैं दैन दिस नाइट्राइट इज़ फर्दर कन्वर्टेड इंटू नाइट्रेट बाई एडिंग ऑक्सीजन एंड इट इज़ डन बाय द बैक्टीरिया नेम डेज नाइट्रोबैक्टर तो ये पूरा प्रोसेस जिसमें अमोनिया को पहले नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है इसको हम नाइट्रीफिकेशन के नाम से जानते हैं यू कैन सी ओवर हेयर ऑल्सो देर इज़ नाइट्रिफिकेशन प्लाट्स के डेड मटीरियल से पहले अमोनिया रिलीज हुआ एमोनिया से फिर नाइट्राइड देन नाइट्रेट देन दिस नाइट्रेट इज अगेन अवेलेबल टू प्लांट्स टू बी यूज अगेन यानि कि डेड प्लाट्स डेड एनीमल्स की बॉडी से निकल के लॉक से उसको वहाँ से हटा के अब दोबारा से प्लांट्स को दिया जा रहा है ये एक साइकिल दोबारा स्टार्ट हो गई है कि प्लांट्स दोबारा इसको यूज़ कर सकें This is also a picture showing about nitrification, in which how the ammonium is converted into nitrites and nitrates by soil bacteria. Then there is the next step. नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई अमोनिफिकेशन हो गई नाइट्रिफिकेशन हो गई अब बारी आती है एसीमिलेशन की यानी कि ये जो नाइट्रेट्स जो बार बार हम कह रहे हैं नाइट्रेट्स बन रहे हैं प्लांट्स इनको यूज कर सकते हैं नाइट्रिफिकेशन में भी नाइट्रेट्स बने हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई है उसमें भी नाइट्रोजन सारी की सारी नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो गई है तो अब जब प्लांट्स उस नाइट्रेट को यूज़ करते हैं उसको सबसे पहले प्लांट्स अपनी बॉडी में जो भी नाइट्रेट बने थे एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको यूटिलाइज करेंगे उसको यूज़ करेंगे फॉर डिफरेंट पर्पजेस जैसे कि प्रोटीन्स बनाने के लिए देन प्लांट्स ने प्रोटीन्स बनाए ख़ुद यूज़ की और एक्स्ट्रा अपनी बॉडीज के अंदर स्टोर कर दी अब एनिमल्स दे विल टेक दोज नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट्स प्रोटीन्स वगैरह हासिल करेंगे लाइक थ्रू ग्रेजिंग और थ्रू पल्सेस प्रोटीन्स हासिल कर ली जाती हैं प्लांट्स से और फिर एनिमल्स उनको अपनी बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं तो ये जो पूरा ओवरऑल प्रोसेस है जिसमें यूटिलाइजेशन होती है नाइट्रेट्स की लिविंग ऑर्गेनिजम्स से दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज एस एसिमिलेशन एज यू कैन सी हेयर एमोनियम एंड नाइट्रेट इज़ अब्जॉर्ब बाई द प्लान्स एंड दोज़ प्लान्टर रिटर्न बाई डिफरेंट एनिमल्स और इस तरह से ना सिर्फ खाया जाता है बल्कि उस नाइट्रोजनस uh, कम्पाउंडस को अपनी बॉडी के अंदर यूज़ करने के सारे प्रोसेस को भी uh, हम एसिमिलेशन का नाम देते हैं देन देर इज़ नेक्स्ट स्टेप दैट इज डी नाइट्रिफिकेशन डी नाइट्रिफिकेशन इज ऑल्सो अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इट मीन्स कि इसके अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वाल्ड हैं इस पूरी एक्टिविटी के अंदर भी ये ऑपोजिट है नाइट्रीफिकेशन के नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया को पहले नाइट्राइड्स और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट किया गया था ये ऑपोजिट है जिसमें नाइट्राइड्स और नाइट्रेट पहले नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाएगा और उस नाइट्राइट को और नाइट्रोजन गैस में बिकॉज देयर शुड बी अ सिस्टम टू ब्रिंग बैक द नाइट्रोजन इन टू द एयर अभी तक हमने जितना भी सिस्टम पढ़ा है वहाँ से नाइट्रोजन गैस को लिया गया है एयर में से और उसको यूज़ किया गया है लिविंग प्लांट्स के लिए कन्वर्ट किया गया है तो डी नाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑपोजिट है जिसमें नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को दोबारा एयर में नाइट्रोजन की सूरत में रिलीज़ किया जाता है तो इसके लिए जो के जो बैक्टीरिया यूज होता है जो इस पूरे के पूरा को कैरी आउट करता है दैट इज कॉल्ड एज डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सो नाइट्रोजन इज रिटर्न टू आवर एटमोसफेयर सो इट इज ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डी नाइट्रिफिकेशन यू कैन कंपेयर हेयर ऑल्सो इन डी नाइट्रिफिकेशन नाइट्रोजन इज रिलीज इन टू द एयर वाइल इन नाइट्रिफिकेशन नाइट्रोजन इज टेकन टू फॉर्म नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स वाइल इन डी नाइट्रिफिकेशन नाइट्रेट इज कन्वर्टेड बैक इंटू नाइट्राइट एंड देन अमोनिया एंड इट इज रिल्ड इन टू द एयर इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सो ओवरऑल ये भी एक हमारे पास साइकिल है इसमें आप देख सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई एटमोसफेरिक uh, भी हो सकती है प्लांट्स के अंदर मौजूद बैक्टीरिया भी करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद देर इज ऑल्सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि इसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रा नाइट्रेट्स के अंदर ये नाइट्रेट्स फिर इसकी नाइट्रिफिकेशन भी होती है अमोनिया की और उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ दैन देर इज़ एसीमिलेशन जहाँ पे प्लांट्स नाइट्रेट को हासिल कर लेते हैं उनसे एनिमल्स हासिल कर लेते हैं देन देर इज़ ऑल्सो डी नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट्स द नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन दॉयल और उनको दोबारा से एयर में भेज देंगे सो देर इज़ अ कम्प्लीट साइकिल जहाँ पर एक साइड से आप देख रहे हैं एयर से नाइट्रोजन ले कर में जा रही है और उधर से प्लांट्स में दूसरी तरफ वहीं से सॉयल से निकल के दोबारा डी के थ्रू नाइट्रोजन को दोबारा एयर में सेंड किया जा रहा है टू मेंटेन इट्स प्रोपोर्शन इन द एयर सो दिस वाज ऑल अबाउट टू डेज वीडियो दैट वाज अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल उम्मीद है आपको आज की भी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो समझ था?